हाय एवरीवन, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट करंट अफेयर है, व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5th अक्टूबर, 5th नवंबर, 7th अक्टूबर, 7th नवंबर। आंसर हो जाएगा 7th नवंबर। सेकेंड है, Who will be the chief guest at the 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention? 17वें Pravasi Bharatiya Divas सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जनेता मैस्कर हंस, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ द एवर। तो कौन होंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पे चीफ गेस्ट? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। थर्ड है, विच मिनिस्ट्री विल सेलिब्रेट जनजातीय गौरव दिवस ऑन नवंबर 15th? कौन सा मंत्रालय 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्ट्री, रूरल मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री विल पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट फ्रॉम 7 नवंबर? कौन सा मंत्रालय 7 नवंबर से विश्व यात्रा बाजार में भाग लेगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, नन ऑफ द एवर। तो इसका आंसर हो जाएगा टूरिज्म मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, हु वॉन गोल्ड मेडल्स इन सिंगल्स एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन टोक्यो ऑन 6th नवंबर 2022? 6 नवंबर 2022 को टोक्यो में VW पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में एकल स्वर्ण पदक किसने जीते? प्रमोद भगत, मनीषा रामदास, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ द एवर। तो इसमें किन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास दोनों ने, मतलब कि आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट है, व्हेन इज इन्फेंट प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड? शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर, 7 अक्टूबर, 6 नवंबर, 6 अक्टूबर। द आंसर इज 7 नवंबर। 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द लखपति दीदी फेयर इन देहरादून ऑन 4th नवंबर 2022? 4 नवंबर 2022 को देहरादून में लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किसने किया? उत्तराखंड सीएम, यूपी सीएम, एमपी सीएम एंड नन ऑफ द एवर। तो इसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड के सीएम ने, पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी का मेले का उद्घाटन देहरादून में किया है। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज अनाउंस्ड एट द कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022? किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का शब्द के रूप में घोषित किया गया है? परमा क्राइसिस, एनएप्टिक, कोविड-19 और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा परमा क्राइसिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ 17th पीवीडी? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या है? डिस्पोरा रिलेवल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, डिस्पोरा रिलेवल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत वेला, नन ऑफ द एवम एंड ऑल ऑफ द एवम। तो इस बार 17th प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है डिस्पोरा रिलेवल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्राम इन अमृत काल। नेक्स्ट है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टू टेक प्लेस फ्रॉम 7th नवंबर एट विच प्लेस? किस स्थान पर सेना के कमांडरों का सम्मेलन 7 नवंबर से होगा? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर एंड नन ऑफ द एवर। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टू टेक प्लेस फ्रॉम 7 नवंबर इन न्यू दिल्ली। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट 10 करंट अफेयर्स के साथ। एंड जिन लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।